because time is a constraint for all of us, and who are joining actually they can take the photo of the pre-survey questionnaire, because after this workshop we should have some more knowledge whatever previously we have acquired till now. We will talk more upon both English and Hindi as part of our national curriculum, and I expect all of you actually listen carefully and learn something. आप लोग अभी तक जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो उसी में उसी के ढांचा में लर्न करो कि मैं ये जानता हूँ और ये नहीं जानता हूँ, और ये जो नहीं जानता हूँ उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, वो हमारा मेन थीम रहना चाहिए. रेदर देन हम एक्चुअली बहुत सारा स्लाइड दिखाई दे जाएगा, बहुत सारी चीज़ आ जाएगा, नॉट नेसेसरी ऑल ऑफ यू एक्चुअली कभी कभी ना बोर हो जाते हैं. तो नेक्स्ट 1.5 आवर हमको काटने के लिए इन द लर्निंग एनवायरमेंट, देन वी शुड मोर ऑफ एनी बायलेटरल डिस्कशन, देयर शुड नॉट बी एनी मोनोटोनस वे. जहाँ पे भी आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है बा सही नहीं है बा ये इसमें और क्या एक्स्ट्रा इनपुट आ सकता है, तो यू कैन गिव योर सजेशन. तो ये हमारा जो कमिंग 7 डेज में जो इवेंट्स है, तो 7 डेज का ऑल ऑफ यू मे बी सीन इन द एक्चुअली आउटसाइड डिस्प्ले एंड ऑल्सो इन द व्हाट्सएप ग्रुप. तो ऑन द लाइक लास्ट ईयर वी डिड ऑल्सो सेम थिंग कि हम पहले व्हाट्सएप करते हैं कि ट्रेनिंग एंड ट्रेनर कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा हम एक्चुअली जो रिमाइंड कर सकते हैं हमारा नॉलेज को, क्या हमारा नॉलेज अभी तक है और अपडेट क्या हुआ है, और फिर नेक्स्ट 6 डेज में हम उसको एक्सप्लोर और करते हैं, फिर नेक्स्ट 1 ईयर तक इसको मैनिफेस्ट करते हैं. इस ईयर में वर्ल्ड एंटीमाइक अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रिजोल्यूशन लिए थे, हमारा के फर्स्ट मीटिंग किए थे हमारा आईडी एरिया में जो दो माइक्रोबायोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, क्लिनिशियन, नर्सिंग फ्रॉम नर्सिंग साइड, ANS, SNO एंड नर्सिंग ऑफिसर्स, एंड वो 10 रिजोल्यूशन हम इस साल में कंप्लीट करना है बाय एनी हाउ. ठीक है, उसमें पहला रिजोल्यूशन जैसे डिजीज स्पेसिफिक गाइडलाइंस हमने बनाए हैं, हमारा 10 डिपार्टमेंट मिलके हमने गाइडलाइंस बनाए हैं जो हम आपको आज उसका PDF इनॉग्रेट करेंगे, सॉफ्ट कॉपी पर हार्ड कॉपी जैसे प्रिंट होते जाएगा थोड़ा फाइन ट्यून के बाद हम आपको दे देंगे. ये मेनली क्लिनिशियन के लिए था बिकॉज एंटीबायोटिक जहाँ पे भी यूज होता है इट शुड बी ए गाइडलाइन स्पेसिफिक, तो इसलिए हमने इसको रिजोल्यूशन लिए थे. सेकेंड रिजोल्यूशन की हमने रिजर्व एंटीबायोटिक फाइनल करेंगे हमारा हर डिपार्टमेंट से बात करके. ठीक है, ऑलरेडी WHO ने के रिजर्व को AVAR क्लासिफिकेशन आपने लास्ट टाइम देखा होगा, एक्सेस एंटीबायोटिक, वॉच एंड रिजर्व, तो हम रिजर्व को फोकस करके इस बार इम्प्लीमेंट कर लेंगे उसको. एंड फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो MDR पाथोजन आइसोलेट होते हैं तो दे विल एक्चुअली रीच टू द ग्राउंड वर्कर्स, स्पेशली नर्सिंग ऑफिसर, रेसिडेंट एंड फैकल्टी इंचार्ज ऑफ द पेशेंट कि ये MDR है, यू शुड ट्राई टू आइसोलेट एज मच एज पर यूर अवेलेबिलिटी इन पॉसिबल. एंड पाथोजन नॉन पाथोजन कमेंट को हमारे कल्चर रिपोर्ट में हम विल इनकल्केट नेक्स्ट 1 ईयर. एंड फॉर फार्मासी एंड फार्माकोलॉजिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंडिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक हम सभी को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे टाइम में जैसे नर्सिंग ऑफिसर इंडियन करता है US बेस में फार्मासी से, सर फार्मासी से, क्योंकि वहाँ पे इंडिकेशन नहीं लिखा रहता है, रेसिडेंट भी बहुत इंडिकेशन नहीं लिखते हैं, बट इट इज़ ए रॉन्ग एटीट्यूड, नो रॉन्ग प्लान ऑफ मैनेजमेंट. जब डॉक्यूमेंटेशन नहीं है एक्चुअली इंडिकेशन किस लिए एंटीबायोटिक दिया गया तो एवरीथिंग गोज रॉन्ग. तो इसलिए हम दोनों को रेसिडेंट प्लस नर्सिंग ऑफिसर को ध्यान देना ही पड़ेगा कि आपको इंडिकेशन डॉक्यूमेंट करना ही है. रेसिडेंट विल डॉक्यूमेंट इन द पेशेंट प्रोग्रेस फाइल और डॉक्यूमेंटेशन वेयर और पेशेंट्स फाइल्स आर देयर, और जब इंडियन करता है नर्सिंग ऑफिसर तो ही और सी विल एक्चुअली पुट दैट इंडिकेशन इन द रिमार्क कॉलम UHD. तो वो हमारा ऑफिशियली एक ऑर्डर आपके पास आ जाएगा बाय सीइंग द फिजिबिलिटी. एंड माइक्रो फार्माकोलॉजिस्ट और हेल्प करेंगे किसमें कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो रिपोर्टिंग करते हैं वो भी अभी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट एट द पॉइंट ऑफ टाइम कि एंटीबायोटिक में जितना एडवर्स रिएक्शन होता है तो दैट विल रिपोर्ट. एंड फ्रॉम डायरेक्ट नर्सिंग साइड दे विल इन देयर नोट देयर केयर प्लान वी आर पुटिंग ए नोट ऑन दैट IV to oral स्विच, बिकॉज आप सभी जानते होंगे कि पेशेंट IV एंटीबायोटिक बहुत दिन तक चलता रहता है और ओरल सब कुछ चल रहा है, ओरल खाना खा रहा है, ओरल मेडिसिन ले रहा है, हजम हो रहा है, एवरीथिंग डाइजेशन एवरीथिंग इज गुड, बट एक्सेप्ट IV एंटीबायोटिक वी आर गिविंग. वो आपको जब ऑब्जर्व हो जाता है दैट टाइम यू कैन डिस्कस विद द क्लिनिशियन रेसिडेंट हु आर ट्रीटिंग
कि सर ये हमारा एक्चुअली इसको आईवी टू ओरल कर सकते हैं। सपोज आपको लगता है कि पेशेंट ओरली पैलेटेबल है, ओरल डाइजेशन चल रहा है, सिस्टमिक डिजीज व्हाट एवर इंडिकेशन वाज देयर दैट इज इन रिकवरी ट्रेंड, सो देर इज नो पॉइंट टू कंटिन्यू आईवी थेरेपी। ठीक है, आपको ही परेशानी हो रहा होगा कि थ्रोम्बोलाइटिस हो रहा है, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, हॉस्पिटल अकॉर्ड इन्फेक्शन हमारा सीआरबीएस से हो रहे हैं, तो टू प्रिवेंट दैट वी हैव टेकन ए रेजोल्यूशन की आईवी टू ओरल स्विच का एक डिस्कशन पार्ट केयर प्लान में एड होगा, दैट नर्सिंग ऑफिसर विल डू ऑन द एवरीडे बेसिस। कि जो भी एंटीबायोटिक चल रहा होगा, मान लो तीन एंटीबायोटिक चल रहा है कि एक एंटीबायोटिक चल रहा है, तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एक दिन में एक बार डॉक्यूमेंट करने में कोई हार्स नहीं है। सेम वे आफ्टर 5 days ऑफ एंटीबायोटिक द टाइम आउट हैज टू बी डिस्कस विद द रेजिडेंट कि सर 5 दिन एंटीबायोटिक हो गया, कोई भी एंटीबायोटिक हो, एनी फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक पेशेंट इज रिसीविंग एंड यू आर सीइंग ऑन द डेली राउंड कि 5 दिन एंटीबायोटिक हो गया, तो यू हैव टू आस्क दैट ट्रीटिंग फिजिशियन कि सर 5 दिन हो गया, तो एवरी 5 days देयर विल बी रिमार्क कलम और एक टैग कि सर 5 दिन एंटीबायोटिक हो गया, वेदर यू टू कंटिन्यू लेट द ट्रीटिंग फिजिशियन डिसाइड। इसमें हमारा कोई मतलब होल्ड नहीं रहना है कि जबरदस्ती की एंटीबायोटिक बंद हो जाना चाहिए, लेट द ट्रीटिंग फिजिशियन डिसाइड दैट, बट एटलीस्ट वी कैन गिव ए रिमाइंडर। तो दैट विल फ्रॉम द नर्सिंग साइड दिस टू आस्पेक्ट विल फाइनलाइज बाय विल गेट एंश्योर कि इट इज डन इन द एवरी एरिया वेयर एंटीबायोटिक्स इज बीइंग रिजिड। एंड द लास्ट पार्ट फ्रॉम द पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू एजुकेट देम। हमने कोशिश की है आईडी एरिया में जब भी पेशेंट डिस्चार्ज होता है उसके एक्चुअली हमने एक टीवी रखा है वहाँ पे कुछ कुछ एजुकेशन देते हैं जब भी हमारा नर्सिंग ऑफिसर्स होते हैं। जैसे डिस्चार्ज के टाइम आप फाइल वगैरह कंप्लीट करते हो, रेसिडेंट भी डिस्चार्ज समरी बनाता है, पेशेंट को समझाता है, नर्सिंग ऑफिसर फाइल को पेशेंट को समझाता है कि ये दवाई लेना है, ये आना है, तो दैट टाइम सम एजुकेशन हैज टू बी गिवन, बिकॉज वो एजुकेशन हम नहीं देंगे तो कौन देगा। आप सोचिए मतलब पेशेंट हमारे पास 10 दिन रहा है, 5 दिन रहा है, 15 दिन रहा है, हम एक तो एजुकेशन नहीं दे सकते। नो डाउट पेशेंट्स दे आर आईज, दे आर मतलब दे आर लिसनिंग और दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू एजुकेट एज पर दे आर ओन अंडरस्टैंडिंग, बट वो अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हमको थोड़ा सा एक्चुअली मैंने बढ़ाना पड़ेगा हमारा फोर्स कि ये हमारा एजुकेशन सिस्टम है एंड यू जस्ट लर्न। तो दे आर फॉर प्रोबेबली कि हेल्थ केयर वर्कर आर द रियल रोल मॉडल जो बोलते हैं, तो वो एजुकेशन हमको इस बार थोड़ा सा रखना है। एंड लास्टली अडल्ट वैक्सीनेशन हमारे लिए कल भी एक एक्चुअली सीएमई क्लास है, आप सभी को रिक्वेस्ट है कि कल भी आप आओगे, आपके एरिया का जो एरिया स्टाफ जो वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, आप सोचते हैं कि ये वैक्सीनेशन सही नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है, बा आप कोई क्वेरीज है, तो यू शुड कम द टुमारो सीएमई अबाउट अडल्ट वैक्सीनेशन, बिकॉज हेल्थ केयर वर्कर के बिहाफ से आप सभी को वैक्सीनेट होना चाहिए मैंडेटरी। कुछ वैक्सीनेशन है जो डाउटफुल रेंज में रहता है, दैट ऑल्सो यू कैन गेट आंसर। एंड विद दिस वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट डे इवेंट एंड दैट द वर्कशॉप। एंड ये क्यों वर्कशॉप एक्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के बारे में क्यों हम ज़्यादा वरी हैं, आप सभी को पता है कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है जो पेंसिलिन डिस्कवर किए थे वो 1945 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, बट वो उसी दिन नोबेल प्राइज डॉक्यूमेंट में बोल दिए थे कि ये जो पेंसिलिन जिसके अगेंस्ट में हम देते हैं दैट ऑर्गेनिज्म इज ऑलरेडी रेजिस्टेंस टू पेंसिलिन। मतलब इन्होंने दवाई डिस्कवर किया 1927-28 में, उसके बाद एंटी पेंसिलिन आ गए मार्केट में, बट 45 में उनको नोबेल प्राइज मिला, दैट डे ऑल्सो ऑलरेडी डिस्कवर्ड कि पेंसिलिन रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म आज ऑन दिया, तो इट मीन्स एक एंटीबायोटिक डिस्कवर हुआ मीन्स उसका रेजिस्टेंस होना ही, इट इज मतलब नेचर सिलेक्शन प्रोसेस और मैंडेटरी बोल सकते हो, तो उसको प्रिवेंट कितना करते हैं ये हमारा कोशिश है। ये जो स्टीवर्डशिप का मतलब है ऑप्टिमाइजेशन, मतलब दैट बेस्ट कैपेसिटी, आप सभी चीज का बेस्ट दे दीजिए, डोंट वरी अबाउट द रेजिस्टेंस एंड डोंट वरी अबाउट द साइड इफेक्ट्स, बट इफ यू आर गिविंग ए बेस्ट पार्ट देन दैट ह्यूमन बींग कैन डू। हमारा लिमिटेशन है एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन बींग, अंडर लिमिटेशन वी कैन गिव द बेस्ट फॉर्म ऑफ थेरापी इन एनी सिचुएशन, वेदर इन द डायग्नोसिस, वेदर इज द ट्रीटमेंट, वेदर इज द प्रिवेंशन पार्ट, तो दैट कंप्राइजेस द आवर इंटीग्रेटेड स्टीवर्डशिप। एंड ऑल द साइड इफेक्ट्स यू नो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनने के बाद क्या क्या हुआ है, हॉस्पिटल अकॉर्ड इन्फेक्शन, आज सुबह का हमारा एक मोडालिटी मीट था जहाँ पे हमने पान ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में बताया, तो ऑल वी आर सीइंग पान ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिज्म बढ़ रहा है, तो सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन स्टीवर्डशिप में हम करना है, बट इफ यू सी द डाटा डॉक्यूमेंट कि आफ्टर 1990 मतलब लास्ट 3 decade हो गया एक अच्छा एंटीबायोटिक डिस्कवर नहीं हुआ है, वही पुराना एंटीबायोटिक का क्लास अलग अलग एक एक दवाई आने लगा है पर मेजर क्लासेस कोई ज़्यादा आया नहीं है और आएगा भी नहीं है, ये भी याद रख लो, आगे ज़्यादा कुछ आने वाला है ही नहीं,
अभी जितना है उससे ही एक्चुअली हम लोग कितना सेव कर सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं। तो दीज आर द मेजर सॉल्यूशंस ऑन व्हिच वी आर हियर एंड वी होप कि बाय नेक्स्ट वन ईयर वी विल डू ए बेस्ट फॉर्म ऑफ एंटीमाइक्रोबियल स्टीवर्शिप प्रैक्टिसेस। एक वीडियो दिखा के देन वी विल गो फॉर एक्चुअली नेक्स्ट आवर इन्फेक्शन प्रिवेंशन स्टीवर्शिप। In a hospital, there is administrative support system in which there are commitment, accountability, and policy for integrated antimicrobial stewardship practices. In policy, there should be antimicrobial stewardship ASP, diagnostic stewardship DSP, infection prevention stewardship ISP. Let's see how it works. When a patient comes to emergency, clinicians evaluates the patient, makes the right diagnosis, starts treatment for the clinical syndrome, right diagnosis based on guideline, local or national or international, and communicates to patient, nursing staff, other department, as required also to pharmacologists, microbiologists, through WhatsApp or CDs or EHR. In WhatsApp, name of patient, location, diagnosis, antibiotic if any, are there so that they will be informed about the patient status. Then, pharmacologist comes, evaluates the patient, decides about right dose, right delivery, and right duration of antimicrobial, puts note in the patient file, observed findings and inferences regarding any modification based on PK/PD, fills ASP form. Earlier or later, microbiologist comes, evaluates the patient, confirms the right drug based on local antibiogram, puts note in the patient file. Observed findings and inferences regarding any modification. Fills ASP form, ensures proper sample collection, transportation, and processing, observes or rectifies ISP such as hand hygiene, let's do hand rub. Steps are 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, bundle care, central line care, bladder care, bedsore care, surgical site care. Standard precautions, wash hands, wear gloves, wear mask, wear gown, and many more. Transmission-based precautions if required. Contact precautions, droplet precautions, airborne precautions, proper waste management, prevents needle stick injury, advises vaccination if required. Next review to see the response at intervals. Clinicians visit regularly, documents patient status, verifies the right diagnosis and right drug. Take the next right decision, either continue or change or switch or stop or outpatient parenteral antimicrobial therapy. Pharmacologist visits again, does prospective audit and feedback. Observe any initiation of low-hanging fruit interventions like IV oral switch, puts note again with due respect previous notes. Microbiologist visits again, does organism review by six-step model to decide whether organism as then is pathogen or non-pathogen in form of commensal or contaminant or colonizer or combination. Reports in WhatsApp immediately once any diagnosis comes, puts note again with due respect previous notes. Does organism review by stratified antibiogram. Review continues with repetition of above works. At the end, while discharging or declaring death, the clinician educations to patient and caretakers, focuses on learning points in whole patient care, completes ask form, plans for ID meet, and the pharmacologist completes ask form to collect data, measures antimicrobial consumption through days of therapy or defined daily doses or as per WHO aware classification, shares learning points in ID meet. And the microbiologist enters WHO net data and prepares cumulative antibiogram for the next patient. Shares learning points in ID meet. This completes integrated antimicrobial stewardship approaches in a hospital or institution. However, one health aspect continues. Thank you. Thank you for patient listening, and I now request Dr. Ambar Prasad to start infection prevention stewardship part. Okay, thank you, sir.